आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आजाद उम्मीदवारों को साथ चलने की दावत। कहा, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, हमारा एजेंडा खुशहाल पाकिस्तान है। आपकी आंखों की चमक बता रही है, हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आ रही है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का कारकुनों से खिताब। कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए, तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजल व करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। वो सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की यह आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए हमें। मुल्क को भंवर से निकालना हमारा फर्ज है। पेट्रोल, बिजली और गैस आप पर बोझ नहीं होंगे। तालीम आम और बेरोजगारी खत्म कर देंगे। कायद नून लीग ने कौमी तरक्की के लिए रोड मैप वाजह कर दिया। शहबाज शरीफ को सियासी जोड़ तोड़ की जिम्मेदारी सौंप दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से आज ही मुलाकात करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान उस वक्त किसी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तमाम कौमी इदारे मिलकर मुल्क को मजबूत बना सकते हैं। मुफाहमत के बाद शाह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। N-127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त पर सूबाई क़यादत से रिपोर्ट तलब। अहम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। बहुत से उम्मीदवार नून लीग के साथ राब्ता कर रहे हैं। लीगी रहनुमा इसहाक डार का कहना है, आजाद उम्मीदवारों के पास किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए 72 घंटे हैं। हमने भी आजाद उम्मीदवारों से राब्ता किया, इंटरनेट की बंदिश की वजह से नताइज ताखीर का शिकार हुए। इंतखाबी नताइज धांधली से बदले गए, सरदार लतीफ खोसा का दावा। N-122 का इंतखाबी मुआरका जीतने के बाद लतीफ खोसा ने कहा, PTI 129 सीटों पर जीत कर उभर कर सामने आई। सियासतदान अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में ना दें, आपस में बैठकर मामला तय करें। N-128 के नतायज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाप्त। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को N-128 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी। आम इंतखाबात लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलकों का रिजल्ट आ गया। लाहौर में कौमी असम्बली की सीटों पर नून लीग का पलड़ा भारी, 9 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। 3 आजाद और 2 IPP के हिस्से में आई। पंजाब असम्बली की तमाम सीटों के नतीजे भी आ गए। नून लीग 21 नशस्तों पर कामयाब, आजाद 8 और IPP 1 सीट पर फाते करार। लाहौर रंग का सबसे पहले नताइज देने का एजाज बरकरार। बड़े इंतखाबात की बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए बड़ा एहतमाम। लाहौर रंग ने इलेक्शन 2024 के तमाम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल कर लिए। लाहौर रंग इलेक्शन के नताइज अवाम तक पहुंचाने में एक बार फिर सबसे आगे। इलेक्शन ट्रांसमिशन में सियासी तजिए और इलेक्शन की सूरत हाल पर माहरीन का इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून की जीत का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में बड़ा जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मतवालों के पार्टी तरानों पर भंगड़े, हर सू पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों ने लीगी कायदीन पर फूलों की पत्तियां निशावर की। खोकर बिरादरान सरदार अयास सादिक भी शरीक।
शरीफ फैमिली ने लाहौर से अपनी नशिस्तें जीत ली। NA 130 से मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर यास्मीन वाशिद को हरा दिया। कायद नून लीग 1,71,024 वोट लेकर जीत गए। PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट लेकर हार गई। NA 123 में शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम 48,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 158 और 64 से भी शहबाज शरीफ ने कामयाबी हासिल की। NA 119 से मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर फातिहा रहीं। आज़ाद उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक ने 68,376 वोट हासिल किए। मरियम नवाज PP 159 से भी 23,598 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मेहर शराफत 21,491 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 118 से नून लीग के हमजा शहबाज जीत गए। हमजा शहबाज को 1,05,000 वोट मिले। आलिया हमजा ने 1,08,003 वोट हासिल किए। हमजा शहबाज PP 147 से भी कामयाब। NA 120 से नून लीग के सरदार अयाज सादिक 68,143 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा ने 49,222 वोट हासिल किए। NA 127 में नून लीग के अता तारड़ ने मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार ने 98,210 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास 83,230 वोट ले सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 15,005 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का दावा, कहा लाहौर में नतीजा अचानक से तब्दील हुआ। इलेक्शन के रिजल्ट में ताखीर हमें अच्छे से पता है। कैंपेन के जरिए मैं तो 4 दिन पहले आई हूँ, लेकिन हमारे सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, भरपूर कैंपेन चला रहे थे। उसमें भी लोगों ने खुशी, इतनी खुशियों का इजहार किया। वो वोट और जो रिजल्ट आया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। गैप का सडनली लीड तब्दील हुई शाम की और सारे चैनल्स पे आ गई थी। सारे चैनल्स पे वो लीड आ गई थी और फिर वो सडनली तब्दील हुई। एक फिर PTI के जो भी इंडिपेंडेंट थे आज़ाद, वो ऊपर आए। के बाद आज सुबह नून लीग के कैंडिडेट ऊपर आ गए। और देखिए, जादू तो बहुत सारी सीटों में चल रहा होगा, लेकिन इधर भी बड़ा जादू हुआ। NA 122 में बड़ा अपसेट। आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट हासिल कर सके। NA 121 से आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर 78,803 वोट लेकर जीत गए। रुहेल असगर 70,597 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां अजहर 1,03,718 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के हाफिज नुमान 71,540 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून की कौमी असेंबली की नशस्तों पर कामयाबी। NA 124 से राना मुबशर इकबाल कामयाब करार, 55,387 वोट हासिल किए। NA 125 से अफजल खोकर फातेह करार, लीगी उम्मीदवार को 64,635 वोट मिले। NA 126 से सैफुल मलूक खोकर 67,717 वोट लेकर जीत गए। हल्का NA 128 से IPP के ओन चौधरी कामयाब, 1,72,574 वोट लिए। आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 1,59,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 117 से अब्दुल अलीम खान 72,519 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार अली एजाज बुट्टर 31,586 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सदर IPP ने PP 149 से भी कामयाबी हासिल की। PP 150 से ख्वाजा इमरान नजीर कामयाब, लीगी उम्मीदवार ने 34,956 वोट लिए।
आजाद उम्मीदवार अब्दुल करीम खान 30,314 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 174 से नून लीग के बिलाल यासीन 36,265 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोट ही ले सके। आम इंतखाबात में पीपी 148 से नून लीग के मुश्तबा शजाउर रहमान जीत गए। लीगी उम्मीदवार ने 37,998 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार सबा दीवान 31,560 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। मुस्लिम लीग नून तख्ते लाहौर की दौड़ में सबसे आगे। पीपी 163 में इमरान जावेद 23,120 वोट लेकर कामयाब। पीपी 170 से हारून अकबर 64,143 वोट लेकर जीत गए। पीपी 140 से गजाली सलीम भट्ट ने मैदान मार लिया, 30,642 वोट हासिल किए। पीपी 160 से नून लीग के उम्मीदवार मलिक असद खोकर कामयाब। पीपी 172 से लीगी रहनुमा राणा मशहूद को शिकस्त। आजाद उम्मीदवार मिसबाह वाजिद 31,378 वोट लेकर जीत गए। पीपी 157 से आजाद उम्मीदवार हाफिज फरहत अब्बास ने 45,036 वोट लिए। नून लीग के मियां नसीर 27,039 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 151 से नून लीग के उम्मीदवार सुहेल चौकत भट्ट कामयाब। सुहेल चौकत भट्ट ने 38,232 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार हमाद अली 15,839 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 152 से नून लीग के मलिक वहीद जीत गए। लीगी उम्मीदवार ने 34,664 वोट हासिल किए। पीपी 153 से ख्वाजा सलमान रफीक 34,956 वोट लेकर कामयाब। पीपी 169 से नून लीग के मलिक खालिद खोकर 85,018 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मियां महमूदुर रशीद 62,805 वोट हासिल कर सके। पीपी 173 में नून लीग के मियां मरकूब अहमद ने मैदान मार लिया, 63,236 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद जुबैर नियाजी 49,517 वोट लेकर हार गए। पीपी 168 से नून लीग के फैसल अयूब ने बाजी मार ली। फैसल अयूब ने 32,727 वोट लिए। आजाद उम्मीदवार मलिक नदीम अब्बास 27,573 वोट ही ले सके। पीपी 145 से नून लीग के समीउल्लाह खान 42,578 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद यासिर 38,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 154 से मलिक गुलाम हबीब अवान 26,014 वोट लेकर फातेह। आजाद उम्मीदवार शकील अहमद ने 24,156 वोट हासिल किए।